गाइस, हमें जब भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री सफर करना होता है तो हम जहाज का इस्तेमाल करते हैं। जहाज में से एक किस्म होती है जंबो जेट। जंबो जेट में गाइस इतना फ्यूल होता है कि अगर वो किसी कार में डाल दिया जाए तो वो कार इस पूरी दुनिया के चार चक्कर लगा सकती है। सो गाइस, क्या आपको पहले इस फैक्ट का पता था? अगर नहीं तो मुझे चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। गाइस, आपने मर्सिडीज कार ब्रांड के बारे में तो सुना होगा। इसमें जो सबसे फैसिनेटिंग चीज है वो है इसका लोगो। क्या आप जानते हैं कि इसके लोगो का क्या मतलब है? नहीं जानते हैं तो आइए मैं आपको बताता हूँ। इस लोगो जो तीन तीर हैं वो प्रेजेंट करते हैं हवा, पानी और जमीन। लोगो बनाने वाले का मकसद ये था कि मर्सिडीज बेन फ्यूचर में ऐसे प्रोडक्ट बनाएगी जो हवा, पानी और जमीन पर चलने वाले होंगे और मर्सिडीज इसमें बादशाह होगी। सो गाइस, क्या आपको इससे पहले इस फैक्ट का पता था? अगर नहीं तो मुझे चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। गाइस, आपने सड़कों पर चलते हुए बसेस को सिटी का नज़ारा कराते हुए तो देखा होगा, लेकिन नीदरलैंड में ऐसी बसेस भी मौजूद हैं जो सड़कों पर चलते हुए तो सिटी का नज़ारा कराती ही कराती हैं, लेकिन साथ में बोर्ड में कन्वर्ट होकर नदी में तैर कर भी सिटी का नज़ारा करवाती हैं। 2017 में ही इनको नीदरलैंड में अलाउ कर दिया गया था टूरिज़्म के लिए। नीदरलैंड में इन्हें रिवर बसेस के नाम से जाना जाता है। सो गाइस, नीदरलैंड के बारे में ये आपको कैसा लगा फैक्ट, मुझे चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए।